मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? इट्स एन एपरेटस इन विच वी सेपरेट्स आइसोटोप्स. आइसोटोप्स को हम सेपरेट करते हैं कैसे? ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में. अब यहां से मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स आएगा. क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स. लेकिन अब जो निकलेगा वो सेपरेट होके निकलेगा. दो तीन जितने भी आइसोटोप्स हैं वो हमें अलग अलग मिल जाएंगे. ये यहां पर मिल जाएगा, यहां पे एक होल कर दिया, यहां होल कर दिया, यहां पे एक आइसोटोप मिल जाएगा, यहां दूसरा आ जाएगा, ये वाला पहला आ जाएगा. मान लो तीन आइसोटोप्स थे किसी एटम के, वो तीनों में अलग अलग मिल जाएंगे. यहां से पास करेंगे किस स्पीड से? मान लो इसकी वेलोसिटी वी से ये जा रहा था. मिक्सचर किससे जा रहा था? वी वेलोसिटी से. तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? यहां पे रेडियस इज इक्वल टू होता है एम वी बाय क्यू वी. अब एक आइसोटोप सपोज सी 12 था, एक सी 14 था, तो ये क्या हो गया? एम आर वन क्या हो जाएगा? सी 12 का के हिसाब से आएगा. वेलोसिटी तो दो सब की सेम थी. और जो ये सी वन, ये क्या है? सी 12 वाले का रेडियस है और ये 14 वाले का मिल जाएगा. एम सी 12 एम सी 14 वी बाय क्यू बी. अब वी और क्यू बी तो सेम है चार्ज और ये सब, और ये मास पे डिपेंड अलग हो रहा था. तो क्या हुआ कि ये हमें अलग अलग रेडियस से मिल जाएंगे. जिसका मास ज्यादा होगा, ये मास मान लो ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा. हाईली है, हैवी आइसोटोप हमें बड़े वाले रेडियस में मिल जाएगा. तो एक तरह से सेपरेट हम कर पाएंगे. अच्छा और करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर सेटअप. एक और एपरेटस होता है वेलोसिटी सिलेक्टर सेटअप. इसमें क्या होता है? इसमें भी मिक्सचर आता है चार्ज पार्टिकल्स का. इसमें हम ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दे दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर आएगा मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से आ रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से ये आ रहा है. ये जो मिक्सचर आ रहा है ये चार्ज पार्टिकल्स का, किसी चार्ज पार्टिकल, अच्छा ये चार्ज पार्टिकल्स का मास सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं. मास सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकता है. ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके मास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग वेलोसिटी से आ रहे हैं. हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी वी वाले को सेपरेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? यहां पे एक होल है, दिस इज होल. इस होल में से ये पर्टिकुलर वेलोसिटी वी वाले निकल जाएंगे, बाकी नहीं निकल पाएंगे. ऐसा कैसे होगा? मान लो इनका चार्ज था क्यू, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज थी, तो पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले कैसे निकलेंगे? जब हम मान लो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी वी थी ना, तो इस पे पर्टिकुलर वेलोसिटी वी वालों पे फोर्स कितनी लगेगी? क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस वी, ऊपर की तरफ लगेगी क्यू वी बी. इसी प्लेन में परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या है? इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यू वी बी ऊपर लगेगी. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां लगा दी, तो ये कितनी लगेगी? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ये क्यू ई फोर्स लगी. अब ये वेलोसिटी कौन सी सेपरेट हो पाएगी? जब क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई हो. चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, वेलोसिटी मिल गई ई बाय बी. तो ये मान लो ई बाय बी की रेशियो उस वेलोसिटी के बराबर है. जैसे मान लो हमने 10 मीटर पर सेकंड वाले सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है, तो ई बाय बी की रेशियो कितनी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो कितनी आनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो आनी चाहिए 10. ये कितनी होनी चाहिए? 10. अगर ये रेशियो हम 10 रख देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड वाले स्ट्रेट निकल जाएंगे, और बाकी सब में क्या होगा? किसी की वेलोसिटी 10 से कम है अगर, तो 10 से कम है तो फिर ये चीज क्यूई से कम हो जाएगी और ये ऐसे इस तरफ चला जाएगा. किसी की वेलोसिटी 10 से ज्यादा है तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा. 10 से कम वाले नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, 10 से ऊपर वाले ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे. सिर्फ 10 वेलोसिटी जिसकी है वो स्ट्रेट जाएगा और वो हमें अलग से मिल जाएगा. अब इनमें मास का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना,
क्योंकि फोर्स पे डिपेंड हो रहा है सारी चीज। तो फोर्स कितनी लगती है, मैग्नेटिक फोर्स तो ये है और इलेक्ट्रिक फोर्स ये है, ये दोनों बैलेंस हो गए। बैलेंस हो गए तो वेलोसिटी ये वी वाले मतलब ई बाय वी वाली जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेट चली गई, इससे ज्यादा वाली वेलोसिटी ऊपर से निकल गई, इससे कम वाली वेलोसिटी के पार्टिकल्स नीचे रिफ्लेक्ट कर गए। तो हमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के, वो कौन सी पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ई बाय वी, उसके हम सेपरेट कर पाए। इसे बोलते हैं वेरिएबल सेलेक्टर सेटअप। तो इस तरह से इसको करते हैं हम।